द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अगर आप मुस्लिम होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो आपको अब मुस्लिम होटल में खाना खाने जाने से पहले दो बार सोचना होगा, क्योंकि अगर आप मुस्लिम होटल में खाना खाने जाएंगे तो शायद आपको पुलिस का टॉर्चर यहाँ पर सहना पड़ सकता है। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ ये भी आपको बता देती हूँ। हैदराबाद से एक वीडियो सामने आ रहा है। हैदराबाद में पुलिस अधिकारी मुस्लिम होटलों की तलाशी ले रहे हैं, एक तरह से आप इसे रेड के तौर पर भी देख सकते हैं। हैदराबाद में पुलिस प्रशासन पूरी की पूरी बटालियन लेकर मुस्लिम होटल में घुसते हैं, मुस्लिम होटल में जो स्टाफ है उसकी भी तलाशी लेते हैं, वहां पर बैठकर जो चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनकी भी तलाशी लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। अब इसे लेकर लोग नाराजगी जता रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि इन्हें मुस्लिम होटलों में तलाशी लेने की जरूरत क्या आन पड़ी। अब इसके पीछे पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में यहाँ पर कुछ लोगों के ट्वीट्स भी आपको दिखाएंगे जो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये वीडियो हैदराबाद का है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का, जहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। यहाँ पर मुसलमानों के होटलों की तलाशी ली जा रही है, जो यहाँ पर खाना खाने आए हैं उनको भी बकायदा एक एक करके चेक किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी तकरीबन 200 लोगों की तलाशी लेती है, 200 लोगों को चेक करती है, जिसका बकायदा वीडियो भी आ रहा है। ऊपर वीडियो चल रहा है और नीचे पुलिस अधिकारी की बाइट चल रही है कि इस संबंध में पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, इस ट्वीट में ये वीडियो शेयर किया है। अब इन्होंने जो वीडियो शेयर करते हुए लिखा है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ये लिखते हैं कि मुसलमानों के क्षेत्र में मुस्लिमों के होटल में खाना खा रहे, चाय पी रहे मुसलमानों का फिजिकल टॉर्चर का पुलिस को कोई परमिशन था, यानी पुलिस को कोई परमिशन है, पुलिस को हम मुस्लिम आतंकवाद क्यों लगते हैं। अब यहाँ पर एक वाजिब सवाल किया गया है कि खाना खा रहे, पानी पी रहे, चाय पी रहे मुसलमानों की तलाशी क्यों ली जा रही है, क्या पुलिस को इसकी परमिशन है, क्या पुलिस के पास सर्च वारंट था या किसी भी तरह की कोई कागजात कि वो वहां पर जाकर जो है वो तलाशी ले सके और वहां पर खाना खाने वाले लोगों से पूछताछ कर सके। अब इसे लेकर जो वीडियो आ रहा है वो आपको दिखाते हैं, आपको ट्वीट भी दिखाएंगे कि इसे लेकर कौन ट्वीट कर रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है और क्या लोग कह रहे हैं। अब वीडियो का पहला हिस्सा आप यहाँ पर देखिए, जिसमें यहाँ से जो पुलिस अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि इनके एरिया में जितने भी होटल हैं, जितने भी मुस्लिम होटल हैं उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। देखिए, आज शाम में ये होटल्स मेरा एरिया में बड़ा बड़ा होटल्स कस्टमर्स ज्यादा आ रहे ना वो होटल्स पूरा आइडेंटिफाई करा। तो ये वीडियो आपने देखा, वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं जिसमें अब जो ये पुलिस अधिकारी है होटल्स के नाम बताते हैं कि कौन कौन से होटल्स में इन्होंने जो है वो तलाशी ली है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जितने होटल बताते हैं शुरू से लेकर आखिर तक सारे मुस्लिम होटल हैं। यहाँ पर एक एक होटल्स के नाम बताते हैं जिन जिन होटल्स में इन्होंने तलाशी ली है। ये होटल्स जो है वो इनके एरिया में आते हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने जो है लोगों को ये कहकर तलाशी ली है कि यहाँ पर कोई वेपन लेकर गांजा लेकर घुसाया है और उसी को हम ढूंढ रहे हैं, ये कहकर लोगों से तलाशी ली है। सुनिए पुलिस अधिकारी को। इनकाजा होटल, लक्की होटल, नफीज केव, चाय चप्पल होटल, मशा अल्लाह होटल, मीना केव, सिद्दीकी होटल या सैयद होटल। तो ये वीडियो भी आपने देखा। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी आगे बताते हैं कि जब वो लोगों के होटल्स में पहुंचे लोगों से तलाशी लेने, ना सिर्फ उन्होंने होटल्स के स्टाफ, होटल्स के मालिक जो जिनका होटल है उनकी तलाशी ली, बल्कि जो वहां पर खाना खा रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, उनकी भी तलाशी ली। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी बताते हैं कि हमने उनको कहा कि कोई वेपन लेकर, गांजा लेकर और चरस लेकर घुस आया है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं, उसी की तलाशी ले रहे हैं और ऐसा कह के जो है कम से कम 200 लोगों से यहाँ पर तलाशी ली गई। अब तलाशी में क्या मिला, जरूरी सवाल। तलाशी पुलिस अधिकारी ने ली बिना किसी परमिशन, बिना किसी वारंट के, जिसकी लोग निंदा कर रहे हैं और लोगों की जो राइट टू प्राइवेसी है उसका भी यहाँ पर जो है उल्लंघन होता है, हनन होता है। आप किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं, अचानक वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और कहती है कि आपकी तलाशी लेनी है, तो आप सोचिए कि आपकी राइट टू प्राइवेसी का जो है इस पर असर पड़ता है और राइट टू प्राइवेसी का भी उल्लंघन होता है। आखिरकार पुलिस को किसने परमिशन दी कि वो जगह जगह जाकर मुस्लिम होटलों में जो खाना पीना खाने आ रहे हैं वहां के कस्टमर, उनकी तलाशी ले। अब आखिरी का वीडियो देखिए जिसमें पुलिस अधिकारी बताते हैं कि हमने 200 लोगों की तलाशी ली लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सुनिए पुलिस अधिकारी बोल के पूरा चेक करा, कुछ भी नहीं मिला। अराउंड 200 अबव मेंबर्स को चेक करा, एक आदमी के पास भी
कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर आपने पुलिस अधिकारी को भी सुना कि 200 लोगों की तलाशी लेने के बाद पुलिस अधिकारी को यहाँ पर एक भी शख्स के पास से, एक भी शख्स के पॉकेट से कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, कई लोग इसे सही बता रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि आपको किसने हक दिया कि आप किसी के होटल में इस तरह से पूरी की पूरी फौज लेकर घुसते हैं और लोगों की तलाशी लेते हैं, कस्टमर को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, आपको ऐसा करने का हक किसने दिया। अब जो आपको कुछ ट्वीट्स दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस प्रशासन ने जो ये कुछ किया है, जिस तरह से तलाशी ली है, उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है और इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहला ट्वीट एसके मसूद का देख रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि जब आपको पता नहीं होता और आप हफ्ते में एक बार ड्यूटी करते हैं तो आप ऐसी ही हरकतें करते हैं। नीचे उन्होंने कुछ ऑपरेशंस के नाम भी गिनाए हैं, ऑपरेशन चबूतरा, ऑपरेशन रोमियो, ऑपरेशन घेरा और तलाशी, ऑपरेशन होटल, और अब आगे का व्हाट नेक्स्ट, अब आगे आपने कौन सा ऐसी हरकत करनी है। तो यहाँ पर तंज करते हुए कह रहे हैं कि आप पूरे महीने ड्यूटी करते नहीं हो और जब आपको एक दिन में एक दिन ड्यूटी का ख्याल आता है, एक दिन में आपको ड्यूटी करनी होती है, तो आप इसी तरह से कहीं भी तलाशी लेने के लिए घुस जाते हो। दूसरा ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फहीम का, यहाँ ये लिखते हैं कि क्या शहर की पुलिस को जनता पर ऐसी तलाशी लेने की अनुमति है। बिल्कुल वाजिब सवाल यहाँ पर पूछा है, क्या पुलिस प्रशासन को इस तरह की परमिशन थी कि वो वहां पर लोगों की तलाशी लें और जो लोग वहां पर कस्टमर जो खाना पीना खा रहे हैं, आम जनता जो वहां पर बैठी हुई है, उनको टॉर्चर करे या उनकी तलाशी ले, क्या पुलिस के पास कोई परमिशन, कोई सर्च वारंट, इस तरह की कोई भी अनुमति थी या नहीं, इसे लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद तीसरा ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं श्रीनिवास कोडली का, यहाँ ये लिखते हैं कि हैदराबाद पुलिस ईरानी कैफे के आसपास गई और लोगों की अचानक तलाशी ली। पुलिस की ये कार्रवाई हमें कानून के शासन के प्रति उनकी अपेक्षा दर्शाती है और जनता में सुरक्षा की भावना लाने वाली इन तलाशी को लगातार उचित ठहरा रही है। हैदराबाद पुलिस ताज होटलों के ग्राहकों की भी जांच करे, उनकी भी तलाशी ले। तो यहाँ पर पुलिस ने जो ये तलाशी ली है उसे लेकर जमकर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि समाज में जो है वो चरस गांजा पीने वाले लोग बढ़ रहे हैं, यूथ को टारगेट कर रहे हैं और यूथ के पास जो है वो हथियार भी मिल रहे हैं, यूथ को बरगलाया जा रहा है, मौतें भी हो रही हैं, तो इसलिए पुलिस का जो ये जो सर्च ऑपरेशन है, जो तलाशी पुलिस ने ली है मुस्लिम होटलों की, ये सही है। हालांकि यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या पुलिस सिर्फ मुस्लिम होटलों की ही तलाशी लेगी। पुलिस का यहाँ पर कहना है कि उन्होंने यहाँ पर मॉरल पुलिसिंग के लिए, पुलिसिंग के तहत जो है यहाँ पर अपने एरिया में जितने भी मुस्लिम होटल आते थे उनकी तलाशी ली। सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, तलाशी ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने क्या हिंदू होटल्स की भी तलाशी ली? पुलिस को पूरे पूरे एरिया की तलाशी लेनी चाहिए थी, पुलिस को सारे दुकानों की तलाशी लेनी चाहिए थी। अगर पुलिस वाकई इसके पीछे मॉरल पुलिसिंग और इसके पीछे जो भी वजह बता रही है, अगर वो वाकई सही होती है, जेन्युइन होती है, तो पुलिस को पूरे एरिया की तलाशी लेनी चाहिए थी, ना सिर्फ मुस्लिम होटलों को टारगेट करना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ समाज में नफरत तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इस तरह के पुलिस अधिकारी भी कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जो है जमकर इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब आप हैदराबाद पुलिस जिस तरह से मुस्लिम होटलों की छानबीन कर रही है, सर्चिंग कर रही है, उसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।